हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं पड़ी हूँ एक करीब 20 दिन से बीमार। 20 दिन नहीं, करीब 10 दिन तो हो गए हैं आराम से। देखिए, आंखें भी गड्ढे में चली गई हैं बिल्कुल भी, फेस भी डल हो गया है बहुत ज़्यादा। इतनी बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और आज मैंने थोड़ा सा काम किया, आज मैं ठीक हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं काम कर सकती हूँ, तो मैंने आज किया। और दोपहर के बज रहे हैं 2, तो मैंने आज काफ़ी काम कर लिया घर का, काफ़ी झाड़ू पोछा, खाना भी बनाया। थोड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मतलब क्योंकि पड़े पड़े इतनी परेशान हो गई बेड पे, बिस्तर पे, कि लेटे लेटे बस सीट में दर्द होने लगा। और बस भगवान से प्रार्थना करती हूँ जल्दी सही हो जाए, अच्छी हो जाऊँ, ताकि आप लोगों को नई नई कुछ चीज़ें दिखा पाऊँ, वीडियो भी बना पाऊँ। और बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, क्योंकि वैसे तो ठीक हूँ, 80% तो ठीक हो गई हूँ, और जो 20% रह गया वो भी मैं ठीक हो जाऊँगी जल्दी से। बस ये मेरा छोटा सा ब्लॉग है, छोटा सा ही बनाया, ज़्यादा नहीं। और मैं करूँगी अभी आराम, क्योंकि ज़्यादा काम नहीं करूँगी, फिर वीकनेस आ जाएगी ज़्यादा, फिर दिक्कत हो जाएगी और ज़्यादा, इसलिए थोड़ा ही थोड़ा काम करूँगी। और ये रहा मेरा छोटा सा ब्लॉग, दिखाती हूँ आप लोगों को। ठीक है, ओके, बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है वीडियो सुबह का, सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं अभी उठी हूँ। देखो बाहर का नज़ारा देखिए, कितना अच्छा लग रहा है, एकदम बढ़िया, मस्त, काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं बाहर निकली नहीं हूँ और काफ़ी टाइम हो गया, करीब 10-11 दिन तक बीमार रही, तो इसकी वजह से बाहर नहीं निकल पाई और कुछ भी वीडियो भी नहीं बना पाया, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। आज मैं बाहर निकली हूँ, इतना अच्छा लग रहा है, काफ़ी मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है आज, मुझे कुछ ठीक फील हो रहा है, क्योंकि मैं अब ठीक ही हो गई हूँ। और वैसे तो ठीक हूँ, पर पूरी तरह से ठीक अभी नहीं हुई हूँ। और ये देखिए मेरा पेड़ वेड़ सब मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि बाहर निकलने के लिए, और आज मैं निकली हूँ। और ये देखिए बाहर बच्चे भी खेल रहे हैं, और सुबह सुबह बड़ा अच्छा लग रहा है, एकदम मौसम इतना अच्छा हो रहा है, काफ़ी मतलब बहुत। तो अब मैं करूँगी थोड़ा सा घर का काम, मैं सोचा थोड़ी सी हवा ले लूँ ताज़ी सी, उसके बाद मैं घर का काम करूँगी और फिर दिखाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि थोड़ी सी मेरी अब हालत ठीक है तो मैं कर सकती हूँ काम। वैसे तो लग रहा था कि नहीं उठूँगी, लेकिन जब बाहर घूम के देखा तो अच्छा लगा। और मैं थोड़ा सा काफ़ी दिन हो गए, तो फिर काम भी फैला पड़ा है घर का ज़्यादा, तो फिर वो मैं करूँगी, कुछ निपटाऊँगी थोड़ा सा काम। और ये देखिए बाहर का नज़ारा देखना, ये है, ये बिल्डिंग वगैरह देखना, कितने अच्छे लग रहे हैं मकान देखने में, एकदम सुन, क्योंकि हल्की हल्की सर्दी भी पड़ने लगी है पहले से, और मौसम भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि ये मौसम काफ़ी अच्छा होता है। इस मौसम में ना सर्दी ना गर्मी, और ठंडी ठंडी हल्की सी हवा, और काफ़ी बढ़िया लगता है। और सुबह सुबह सूरज भी निकल आया इधर, तो फिर मैं सोचती हूँ चलो देखती हूँ, और उसके बाद मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि मैं अंदर आ गई हूँ। मैंने सोचा पहले चाय पी लूँ थोड़ी सी, वैसे चाय पीने को मना की है क्योंकि, लेकिन मेरी तबीयत आज ठीक लग रही है, तो मुझे लगा थोड़ी सी चाय पी लूँ और उसके बाद मैं काम में लगूँगी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा फैला है घर में। और सबसे पहले देखती हूँ ये मलाई, काफ़ी दिनों से मलाई रखी हुई है, करीब 10 दिन की इकट्ठी हो गई है, इन लोगों ने इकट्ठी कर करके कर करके, तो फिर मैंने सोचा पहले इसी को निपटाऊँ, उसके बाद डालूँगी कपड़े मशीन में, इसको चला दूँ, जिसमें से घी निकला है और मट्ठा है, वो बाहर मैं डॉगी को डाल दूँगी, वो खा लेगा। और इधर मैंने मशीन चला दी, मैंने मशीन में कपड़े डाल के चला दूँ, तब तक निपटाऊँगी थोड़ा सा खाना पीना भी, क्योंकि आज खाना भी बनाना है, काफ़ी दिन हो गए, वो बच्चियाँ दे जाती हैं ऊपर से खाना मुझे, क्योंकि मैं बनाने लायक नहीं थी, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी बहुत, इसलिए। तो फिर आज ठीक लग रहा है, तो मैं आज बनाऊँगी खाना थोड़ा सा, और सबसे पहले कपड़े, यानी कि पहले इनका काम निपटाऊँ, कपड़े काफ़ी दिन के हो गए थे बहुत सारे, तो फिर कपड़े उधर डाल दिए और मैं आ गई हूँ किचन में। सब्ज़ी मैंने बना ली है, क्योंकि सब्ज़ी सुबह ही बना ली थी, रोटियाँ रह गई वो मैं सेक रही हूँ, ज़्यादा नहीं, केवल 4-5 रोटी सेकनी है, क्योंकि अभी मैं तो ज़्यादा खाती नहीं हूँ, अपने लिए मैंने दलिया बना लिया। और इधर आलू और बड़ी की सब्ज़ी, और इधर रोटियाँ मेरी बल्कि सेक गई हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा घर का भी, अंदर भी काम करूँगी, क्योंकि अंदर भी काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ये लोग बस खा खा के इधर उधर बर्तन फैलाते रहे, झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ काफ़ी दिन से। और उधर मेरे कपड़े भी सूख गए, कपड़े धुल गए, और कपड़े मैंने सबसे पहले, क्योंकि धूप बहुत तेज़ निकली है, तो सबसे पहले कपड़े डालूंगी बाहर, उसके बाद अंदर लगूंगी। कपड़े मैंने डाल दिए,
और ये देखो स्टोर रूम, स्टोर रूम नहीं है वैसे तो, वो बेटा पढ़ता है इसमें, उसी का सामान वामान टेबल वेबल उसी की पड़ी है। मैंने कि पहले इसे साफ़ कर दूँ क्योंकि काफ़ी दिन से ये साफ़ नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा गंदगी इसमें निकली है, तो पहले इसको करूँगी साफ़। तो ये देखिए नीचे झाड़ू इतना, मतलब चूहे भी हो गए दो तीन। यहाँ लग गया मेरा झाड़ू क्योंकि ऊपर से बिल्कुल सीलन भी हो रही है काफ़ी ज़्यादा। इस वाले स्टोर, छोटा सा रूम है, करीब स्टोर रूम ही समझो, उसको स्टडी रूम बना लिया है क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा गंदगी निकल रही है, काफ़ी सामान भी इधर उधर फैला पड़ा, वो पड़ता रहता है। बस सफाई वफाई तो बस ऐसी है, कुछ नहीं। मैंने सोचा पहले इसी को साफ़ करूँ, उसके बाद अंदर टेबल वगैरह साफ़ करूँगी क्योंकि अंदर भी बहुत ज़्यादा सामान फैला है काफ़ी दिन से। क्योंकि अगर घर में वही है ना कि अगर लेडीज को कुछ हो जाए ना तो फिर घर का काम बस घर उल्टा सुलटा हो जाता है पूरा, घर में थोड़ी दिक्कत होती है बस। क्योंकि ये लोग सामान जहाँ के तहाँ नहीं रखते हैं, हम तो साथ ही साथ रखते रहते हैं, जहाँ से उठाया वहीं रख दिया, जहाँ से लिया वहीं साफ़ करके तुरंत रख दिया, पर बच्चे लोग नहीं कर सकते ये काम। और ये मेरा देखो झाड़ू वाड़ू तो मैंने लगा दिया इसमें, ये हो गया बिल्कुल साफ़। और मैं आ गई हूँ अब अंदर, देखो ऐसे सामान फैला है कितना सारा। देखो इस टेबल पे यहाँ पे मछली का पॉट रखा है और ये देखो कितना सामान यहाँ पे रखा है, इसे मैं साफ़ करूँगी। और ये टेबल साफ़ हो गई है, देखिए बिल्कुल एकदम क्लीन कर दी है। उसके बाद मैं खाऊँगी दवाई क्योंकि दवाई का टाइम हो रहा है मेरे, और अगर दवाई नहीं खाऊँगी तो फिर दोबारा बीमार पड़ जाऊँगी, इसलिए मैं इसके बाद दवाई खाऊंगी क्योंकि दवाई का ध्यान आ गया, वैसे मुझे ध्यान नहीं था। और ये रहा मेरा छोटा सा वीडियो, कैसा लगा आप लोगों को? अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये मैं दवाई खा रही हूँ, इसके बाद मैं करूँगी आराम क्योंकि 2 बज गए हैं काम करते करते, और मैं करूँगी आराम। ओके बाय बाय, टेक केयर।